हेलो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक पे हम कोई फिश के फूड के ऊपर बात करेंगे। बेस्ट कोई फूड फॉर ग्रोथ एंड कलर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रॉपिकल फिश क्रेफ्ट चैनल। दोस्तों, आपका फिर से एक बार बहुत स्वागत है हमारे ट्रॉपिकल फिश क्रेफ्ट चैनल पे। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, हम कोई फूड की बात तो करेंगे ही करेंगे कोई कार फिश के फूड के ऊपर, पर इसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि कम बजट में कोई फिश के लिए कौन सा फूड बेहतर है और कौन सा फिश फूड अच्छी ग्रोथ और कलर कोई फिश को प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों, यही देखेंगे। पहले तो कोई फिश के कुछ फूड के ऊपर और इसके कुछ फीडिंग के ऊपर बात कर लेते हैं। दोस्तों, अगर हम देखा जाए तो कोई एक बहुत पॉपुलर फिश है। इसके कलर्स के लिए ये पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जानी जाती है, इसके साइज़ के लिए, और इसमें कई वेराइटी आती है। बहुत सारी हाइब्रिड लोकल कोई कार्प भी आपको मिल जाएगी, इसमें आपको जापानीज कोई भी मिल जाएगी, और बहुत तरह की वैरायटी होती है और इनके बहुत तरह के नेम होते हैं और इनके बहुत सारे वेरिएशंस भी होते हैं कलर फॉर्म में और इनकी ग्रोथ के अंदर भी। पर हम जो कॉमन टाइप्स से कोई जो हमें मिलती है इंडिया में अवेलेबल होती है कोई कार्प, हम उस रेंज में कोई को कौन सा फूड दे सकते हैं। अगर आप हाइब्रिड फिश भी यहाँ पर आजकल मिलने लगी हैं सभी ऑनलाइन स्टोर पे, और कोई आप जैसा कि जानते हो कि बहुत पॉपुलर फिश है तो इसकी डिमांड बहुत हाई होती है, तो आजकल जापानीज कोई और बहुत सारी इम्पोर्टेड क्वालिटी की कोई भी मार्केट में मिल जाती है। तो दोस्तों, हम एक कॉमन कोई के बारे में बात करेंगे और इनके लिए कौन सा एक बेस्ट कोई फूड है, हमारे बजट के हिसाब से हम इनको कौन सा फिश फूड दे सकते हैं जो कि बेहतर है। दोस्तों, सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे बजट फूड की। हम बात करें तो क्योंकि कोई फिश को ज़्यादातर पोंड में रखा जाता है, पर इसको कुछ हॉबीस्ट हम लोग टैंक में भी रखते हैं और टैंक में भी काफ़ी पॉपुलर रही है, तो हम नॉर्मली बात करेंगे कि हम इनको टैंक में कौन सा फूड दे सकते हैं। हम सबसे पहले बजट रेंज में बात करेंगे दोस्तों ऑप्टिमम 3-in-1 फिश फूड को। दोस्तों, ये मैंने यूज़ भी किया है, ये फूड अच्छा है। इसके कंटेंट में स्पायरोलिना होता है जो कि एक कैरोटीन डाइट है और जो फिश के कलर को परफेक्ट रखता है और अच्छी ग्रोथ भी देता है। और दोस्तों, इसके बाद जो सेकंड है वो भी ऑप्टिमम का ही है, पर ये थोड़ा फिश फूड ऑप्टिमम 3-in-1 से हाई कॉस्ट हो सकता है, ऑप्टिमम हाई प्रो। ये दोस्तों कोई फिश की स्पेशलिस्ट डाइट है। तो और जो तीसरा बजट फूड है, आप इसको टायो का फिश फूड दे सकते हो, हाई टायो हाई ग्रो कोई फूड। और दोस्तों, फूड तो इसके बहुत सारे आते हैं। अगर आप कोई फिश को हाइब्रिड में रखते हो या इम्पोर्टेड क्वालिटी की कोई है, या आप एफर्ट कर सकते हो तो आपकी रेंज अच्छी है आप, तो आप इसको टेट्रा पोंड कोई ग्रोथ फूड, और इसमें डेनिची कोई फूड भी आता है जो कि ऑल सीज़न के लिए आता है। और कोई फिश की एक खास बात है कि इसके कुछ टेम्परेचर वेरिएशन होते हैं कि इसमें फीडिंग का ये भी ध्यान रखना पड़ता है। इसमें इतनी क्वालिटी आती है कोई फिश के फूड में कि जब टेम्परेचर डाउन होता है तो हमको कोई फिश को कौन सा फूड देना है, और जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है समर सीज़न में और कोल्ड सीज़न में, ये भी फिश फूड में आपको वैरायटी मिल जाएगी कोई फिश फूड के अंदर। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। और इसमें आप अगर बहुत अच्छा रिजल्ट चाहते हो, बहुत अच्छा कोई की ग्रोथ चाहते हो बहुत ब्राइट कलर के लिए, तो आप इसको हिकारी का भी फूड दे सकते हो। हिकारी के अंदर बहुत सारे आपको वैरायटी मिल जाएगी कोई फिश की फूड के अंदर। अगर आप एफोर्ड कर सकते हो तो आप हिकारी भी ले सकते हो। जो मैंने आपको फिश फूड बताया वो बजट रेंज में ही ऑप्टिमम 3-in-1 फिश फूड, ऑप्टिमम हाई प्रो और टायो हाई ग्रो कोई फूड। तो दोस्तों, यही था आज का हमारा एक छोटा सा वीडियो कोई फिश फूड के ऊपर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।